अब तो मुझे भी भगवान मानकर मेरे साथ विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी पाताल के तू। ठीक है, जब तक तू मुझसे अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने को राजी नहीं होती तब तक मैं अपना क्रोध तीनों लोगों पर निकालूंगा। हे देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, दसों दिशाओं, दिग्गजों, दिग्पालों, आप में से किसी में भी पाताल केतु पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता नहीं है। इसीलिए मैं गंधर्व राज विश्वावसु की पुत्री पदालसा अपनी इच्छा से दैत्य राज पाताल केतु से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसे संभव है प्रभु कि मदालसा ने अपनी स्वीकृति दे दी पाताल केतु को? हे भगवान दत्तात्रेय, ये मेरी समझ से परे है। सृष्टिवासियों की पाताल केतु से रक्षा करने के लिए ही मदालसा ने यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया है। किंतु भगवन, क्या यह विवाह संपन्न होना उचित है? विवाह नहीं होगा महर्षि। राजा शत्रुजीत का पुत्र ऋतुध्वज ये विवाह नहीं होने देगा और वो ही पाताल केतु का विनाश भी करेगा। शिवे सर्वार्थ साधिके। पुरोहित जी। जी, विलंब क्यों कर रहे हैं? कृपया शीघ्र अति शीघ्र हमारा विवाह संपन्न करें। आ गया, मेरा रक्षक आ गया। उस आगंतुक को पकड़ो और उसका वध कर दो। तुम यहां पहुंचे कैसे? क्या लेने आए हो? तुम हो कौन? मेरा नाम ऋतुध्वज है। तुम इस गंधर्व कन्या को हरण करके यहां लाए हो। मैं इसे तुम्हारे हाथों से मुक्ति दिलाने आया हूं। मूर्ख, तू जानता नहीं ये गंधर्व कन्या स्वेच्छा से मेरे साथ विवाह करना चाहती है। नहीं, ये मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह करना चाहता है। सुन लिया? ऐसा है तो यही सही। अब तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगा। We'll be right back.
डरो मत। हे नागलोक वासियों, हमारे मार्ग से हट जाओ। मैं एक बार फिर कहता हूं, मुझे शस्त्र चलाने पर विवश मत कीजिए। हमारे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो। हेलो ऋतुध्वज, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं। मणि प्रकाश, नागपाल, नागलोक में राजकुमार ऋतुध्वज का स्वागत है। ये दोनों बचपन से मेरे मित्र हैं, इनके स्वागत करने का ढंग तो देखो। चलिए राजकुमार, महाराज अश्वतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। क्या बात है प्रभु, शिष्टाचार में कोई भूल हो गई है मुझसे, अथवा मेरे मुख पर अकस्मात इंद्रधनुषी रंग उभर आए हैं जो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं? देवर्षि, आपके मन की जिज्ञासा आपके मुखमंडल पर चमकती देख मैं ये समझ गया कि आप ऋतुध्वज और नाग कुमारों की भेंट से उत्सुक हो गए हैं। हाँ प्रभु हाँ, ये नई मित्रता बिना किसी कारण तो करवाई नहीं होगी आपने। आपने ये भी सुन लिया है कि वो दोनों नाग कुमार ऋतुध्वज के बचपन के मित्र हैं? वही तो प्रभु, इस नई मित्रता में कौन सी घटना घटने जा रही है यही जानने चला आया। ऋतुध्वज उन नाग कुमारों को प्राणों से भी बढ़कर मित्र मानता है ना? ये तो है। तो पाताल लोक में आने का क्या कारण हो सकता है? तो प्राणों को लेकर आप कोई नई लीला करने वाले हैं? नारायण नारायण। प्रभु, आपकी इस लीला ने तो मेरी उत्सुकता में भी प्राण फूंक दिए हैं। अब तो मेरा मन आपकी इस लीला पर ही रहेगा। नारायण नारायण। दैत्यराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, दैत्यराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? विनाश हो गया दैत्यराज, संपूर्ण विनाश हो गया। बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ, किसका विनाश हो गया? आपके भ्राता श्री महाराज पाताल केतु का। क्या? राजकुमार ऋतुध्वज ने उनका वध कर दिया, कर दिया। नहीं, नहीं। कहाँ है वो ऋतुध्वज? वो गंधर्व कन्या को लेकर नाग कुमारों के साथ नागलोक में गया है। ऋतुध्वज, मैं अपने भ्राता श्री के वध का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। ऋतुध्वज, ये क्या कर रहे हो ताल केतु, अपने प्राण गंवाने आए हो क्या? अश्वतर, मैं ऋतुध्वज के प्राण लेने आया हूं यहाँ। ऋतुध्वज यहाँ? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ताल केतु, ये नागलोक है, पृथ्वी लोक नहीं। नागराज, ऋतुध्वज ने मेरे भ्राता श्री पाताल केतु का वध किया है, यदि वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं संपूर्ण नागलोक को ध्वस्त कर दूंगा। उसे मेरे सामने भेजो, नहीं तो। हाँ।
मैं यहां हूं तालकेतु। आ गया तू ऋतुध्वज, अब तेरा अंतिम संस्कार इसी नागलोक में होगा, तू बचेगा नहीं। हाँ ध्वज, जिस मदालसा के लिए तूने मेरे भ्राता श्री पाताल केतु का वध किया है, उसी मदालसा को मैं तुझसे एक दिन छीनकर अवश्य ले जाऊंगा। अरे जा, आज नहीं तो कल इसका बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। सुखी भावा देवी, ऋतुध्वज तुम्हें सदा सुखी रखे। ऋतुध्वज, ताल केतु को पराजित करके तुमने पूरे नागलोक पर उपकार किया है। उपकारों की भाषा पिता और पुत्र में नहीं बोली जाती है नागराज। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। काल केतु मेरे ही कारण नागलोक में आया था, मेरे ही कारण यह संकट उत्पन्न हुआ। उसे यहां से भेजकर मैंने केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। शूरवीर होने के साथ साथ तुम विशाल हृदय के स्वामी हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा और मदालसा दोनों का कल्याण हो। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए। नहीं ऋतुध्वज, इस शस्त्र से तो तुम शीघ्र ही प्राण त्याग दोगे। मैं तुम्हें इतनी आसान मृत्यु एक ही बार में नहीं दूंगा। मेरे भ्राता श्री के हत्यारे, तुम्हें तो बार बार मरना चाहिए। तुझे बार बार मरना होगा। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। राजकुमार ऋतुध्वज की जय। पुत्र ऋतुध्वज, तुमने पाताल केतु का वध करके अपने पिता के नाम को कीर्तिमान किया है और गंधर्व कन्या मदालसा को पाताल केतु के पंजे से छुड़ाकर तुमने न केवल गंधर्व लोक से अपितु समस्त लोकों से शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है युवराज। प्रणाम देवर्षि। युवराज, जो पुत्र अपने पिता द्वारा अर्जित किया हुआ यश, धन, संपत्ति, कीर्ति
पराक्रम को घटाता है वो पुत्र नीच कहलाता है, कुपुत्र होता है वो। और जो पुत्र ना उसे घटाता है और ना ही बढ़ाता है वो मध्यम कोटि में आता है। परंतु जो उसकी रक्षा के साथ अपने पिता की अर्जित की हुई कीर्ति, धन संपत्ति, यश मान सम्मान को बढ़ाता है वो उत्तम कोटि का मनुष्य माना जाता है, पुरुषोत्तम होता है। आप व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं देवर्षि। नहीं नहीं युवराज, पाताल लोक जाकर पाताल केतु का वध, इस गंधर्व कन्या मदालसा की मुक्ति और ताल केतु से नाग लोक की रक्षा, क्या ये कार्य प्रशंसा के योग्य नहीं है, है? हे राजन, अब आप शीघ्र ही ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह कर दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। हे वत्स ऋतुध्वज, हे पुत्री मदालसा, मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं। जन कल्याण के लिए ही तुम दोनों का जन्म हुआ है। पुत्री मदालसा, तुम ज्ञान का प्रसार करोगी और ऋतुध्वज, तुम इस पृथ्वी लोक पर धर्म का मार्ग दर्शन करते हुए अपने शौर्य और बल द्वारा अधर्मियों और अनाचारियों का दमन करके सज्जनों की रक्षा करोगे। जाओ वत्स, दानवों से ऋषि मुनियों और उनके यज्ञों को नष्ट होने से बचाओ, उन दानवीय प्रवृत्तियों का विनाश कर दो जो धर्म कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा दत्त गुरु। भगवान दत्तात्रेय के आदेश को शिरोधार्य करके धर्मात्मा ऋतुध्वज अत्याचारियों अनाचारियों का दमन करने के लिए निकल पड़े। याद रखिएगा स्वामी, आपका विवाह केवल तलवार से नहीं हुआ, मदालसा भी आपकी है और सदैव आपकी प्रतीक्षा करती रहेगी। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, शीघ्र ही हम दोनों की जुदाई समाप्त होगी प्रिय।